यह टाइम का प्रोसेस है कि इस एरिया को साफ करना पड़ता है। जब जब हम वॉशिंग मशीन लगाते हैं क्योंकि ऊपर में इस तरह से खुला हुआ रहता है थोड़ा थोड़ा, तो वॉशिंग मशीन में तो उठाती हूँ। ये यहाँ पर रखी हुई है, तो ये दाल बॉईल हो चुकी है। अभी थोड़ा देर में सोनू बनाएगी और हम लोग सुबह से लगे हैं जाने की तैयारी के पहले। यहाँ पर अपने को बहुत कुछ करना पड़ता है। तुलसी जी को बाहर रख के जाना होगा ताकि इसमें पानी दे सके। तो कपड़े भी धो चुके हैं, मस्त ये सूख जाएंगे। आज ही इसको उठा के समेट के रख देना है। फिर वो ये हुआ था फास्टैग पेटीएम तो नहीं रहा, तो उसका बैलेंस ख़त्म हो गया। तो मैंने अभी वो फास्टैग का पेटीएम का वो निकाला और रियली इट वाज अ वेरी वेरी टफ जॉब। उसको निकालना इतना स्टिकी है, तो मैंने थोड़े वीडियोस देखे कि कैसे निकालना है। तो विनेगर बोल रहे थे, फिर उसके बाद से हॉट वाटर और बहुत सारी चीज़ें ऐसे टिप्स मिली मुझे। तो मैंने सबसे आसान वाला टिप्स लिया, विनेगर था नहीं, टूथपेस्ट था एक छोटा ट्यूब, टूथपेस्ट लिया उस पर रगड़ा, उसके बाद उसको थोड़ी देर तक के लिए छोड़ा। फिर हैंड सैनिटाइज़र में भी अल्कोहल होता है तो उससे भी थोड़ा हेल्प हुआ, वो लगा के छोड़ा। लेकिन इट वाज अ वेरी 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 टफ जॉब टू रिमूव दैट। फाइनली मैंने उसको कर लिया, क्लीन कर लिया गाड़ी। उसके बाद नया फास्टैग जो HDFC का लिया है मैंने, वो लगा दिया है, उसको रिचार्ज भी कर लिया है कल के लिए। और अंदर से भी गाड़ी मैंने वॉश करा ली, तो तैयारी पूरी है। अभी थोड़ा बाहर जाके कुछ सामान लाना है, तो खाना खा के हम और सोनू जाएंगे। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। फिर खाने की थाली लग चुकी है और हम लोग खाना खाएंगे। मेरी थाली वहाँ रखी है, चलिए खाना खा लेते हैं। तो आज हम अध्यात्म का कौन सा टॉपिक छेड़ें, है ना। तो एक चीज़ जो शुरुआत जिससे होती है, क्योंकि हम इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो ज़रूरी ये नहीं है कि हम सब लोग आत्मा की हयाती मतलब आत्मा के अस्तित्व पर लोगों को प्रश्न चिन्ह ना हो, होता ही है। कितने लोग सोचते हैं कि वन लाइफ जी लो अच्छी तरह से, ड्रग्स कर लो, चिकन खा लो, मटन खा लो, पता नहीं मौका मिले ना मिले। माँ बाप तो बोलते हैं कि आत्मा होता है, मगर मैं क्यों मानूं। तो ये जो हमारी मतलब हम तो 70s के बॉर्न हैं, ये जो ऐसा जनरेशन होता है उन लोग सब लोग को ऐसा लगता है कि आत्मा होता है कि नहीं। तो जो मेरे मार्गदर्शक गुरु जो बोलें, गुरु कृपाणु देव हैं, मगर पापा जी जो हैं वो हमको सब सिखाए हैं, हमको सब बताते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से हम लोग को बताया है उस तरह से मैं आपको बताने का कोशिश करती हूँ कि यदि मान लीजिए हम लोग ने मैंने आपको अगर आप मेरे सामने हैं तो मैंने आपको पूछा कि ये क्या है, ये या हाथ मान लो आपका है, तो अगर हाथ इस तरह से है ना, तो या ऐसे भी है कैसे भी है, तो मैं पूछूंगी ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे। आप बोलेंगे ये मेरा हाथ है। उसी तरह से आप आँख के लिए बोलेंगे मेरी आँख, मेरी नाक, मेरे होंठ, मेरे बाल, मेरा पेट, मेरी अतड़ियाँ, मेरा लीवर, मेरा किडनी, ऐसा हर एक चीज़ को, हर एक ऑर्गन को आप अलग से मेरा ये है। तो हर रोज़ के हिसाब से आप बोल रहे हैं मेरा शरीर का कोई अंग, आप उसको दो अलग चीज़ों में इन टू डिफरेंट परस्पेक्टिव्स आप उसको बता रहे हैं कि मैं इससे अलग हूँ। तो अगर तुम्हारा हाथ ये है तो तुम कौन हो। तो अगर उसी हाथ पैर नाक मुंह ये वो सबको लेके अगर कल को आपकी मृत्यु होती है तो जो बॉडी पड़ी हुई है सामने तो क्या बोला जाएगा। यदि आपका नाम XYZ जो भी है, ये इसकी बॉडी है, करेक्ट। तो ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मान लीजिए वो ज़मीन पे लेटा हुआ है तो बोला जाएगा ये इसकी बॉडी है। तो अगर बॉडी ये है तो वो कौन सा द्रव्य, वो कौन सा पदार्थ, वो कौन सी चीज़ निकल गई जो कि बॉडी यहीं रह गई, जिसको अब तुम समझते थे ये मैं ही हूँ। तो इसको हम बोलते हैं अज्ञान। देह
सकते हूँ, मतलब ये शरीर में है। तो जब हम ये समझते हैं तो सारा दुख, सारा अपमान, ये सबको भी हम समझते हैं कि ये मुझे ही हुआ है। मगर इसमें कभी कभी आप देखेंगे आध्यात्मिक लोग भी रिएक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, कर्म का जोर इतना होता है ना कि आप रिएक्ट करते हो और फिर आप यू टर्न लेते हो, फिर सोचते गलत है यार, क्या कर दिया मैंने, कितनी कर्कश वाणी, क्योंकि सामने भी तो परमात्मा ही थे ना। सामने जो जीव है, सामने जो व्यक्ति है जो बात कर रहा है, जिसका मैं अनादर कर रहा हूँ, निरादर कर रहा हूँ, वो भी आज वो कोई कितना भी कुकृत्य कर रहा हो, कुछ भी खराब कर रहा हो, मगर वो खुद भी एक आत्मा है उसके अंदर जो कि परमात्मा का ही अंश है। तो मैं उसका अपमान कैसे कर सकता हूँ? तो ये जो ग्लानी, पश्चाताप, फ्रस्ट्रेशन और द फीलिंग ऑफ गिल्ट मेक्स यू डू अ यू टर्न एंड यू कम बैक टू योर सेल्फ एंड यू से आई डिडंट वॉन्ट टू स्पीक लाइक दिस, आई डिडंट वॉन्ट टू से दैट, बट आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी एंड आई सेड इट, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोल दिया। वो पता नहीं क्या ना, वो पता नहीं क्या एग्जैक्टली, वो पता नहीं क्या, उसका नाम है कर्म। मगर कर्म को मेजॉरिटी रूप में ऐसा समझा जाता है कुछ करना, पर कुछ करके उसका एक एक दंड स्वरूप समझ लीजिए या पाप स्वरूप, अपराध स्वरूप समझ लीजिए, फिर से एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कर्म बंधन। अब वो कर्म बंधन जब फिर से हमारे ऊपर होता है तो उसका उदय होता है। कर्म थियोरी बहुत वास्ट है, तो ये हमेशा एक रूल नहीं है, कभी कभी कोई कर्म नहीं भी बंधते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर भाव। तो ये होता है कि कभी भी अगर आपको वो यू टर्न हो गया, कोई भी कर्म पश्चाताप से, क्षमा मांगने से, प्रायश्चित करने से हाफ या कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी हो सकता है विदाउट गिविंग अ फल, बट दैट इज़ ऑल, बहुत सारा वास्ट थियोरी है ये, बट ये एक सुविधा है, देर इज़ अ प्रोविजन। तो आत्मा है ये मानने से क्या होता है, ये मानने से ये होता है कि यू गेट अ फ्रीडम। तुमने कर्म कितने भी बुरे क्यों किए क्यों ना हो, देर इज़ एन एक्सपायरी डेट, वो कर्म जाएगा, या तो ये शरीर लेके जाएगा या इस शरीर के रहते रहते जाएगा। तो जब आप आत्मा के होने को मानने लगते हैं तो आपको निर्वाण बोलिए, मोक्ष बोलिए, जन्म मृत्यु का ये बोलिए, बट यू कैन नॉट बी इन अ बबल और इन अ फैंटेसी थिंकिंग, इस ज़िंदगी मैंने तो बहुत अच्छे से बिताई है, मैंने सबका हेल्प किया है, मैंने सबको पैसे दिए हैं, जो भी मेरे घर आता था मैं तो उसको सब अच्छे से करता था, वो उनका पुण्य था इसीलिए आपको करना पड़ा, आपको देना पड़ा। पर कोई भी क्रिया अगर आत्मलक्ष्य से न हो तो वो क्रिया सफल नहीं है। सफल से मेरा मतलब है फल, उसका फल आत्मा को न मिलके शरीर को मिलता है, और शरीर को मिलने से क्या होता है, वापस उस शरीर को जन्म लेके उसी शरीर में भोगना पड़ता है। तो सारा फल हमको देना है आत्मा को। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, आई विल ट्राई टू पुट इट अगेन। आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं, पूजा पाठ, तीर्थ धाम यात्रा, ये वो, अगर आपका लक्ष्य आत्मज्ञान नहीं है, मुझे एनलाइटन होना है, मुझे आत्मा प्राप्त करना है, ये नहीं है, तो वो सारी क्रियाएं हैं, उससे वापस पुण्य मिलेगा, पुण्य से आपको लग्जरीज मिलेंगी, लग्जरीज से आप अपनी आत्मा को भूलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यू डोंट नीड टू डू मच, यू नो। और इसीलिए हमको ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि आत्मा लक्ष्य, अभी हमको आत्मा ज्ञान क्यों चाहिए, वाई डू पीपल वॉन्ट एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट इसीलिए कि इस शरीर में, इन दिस प्रेजेंट बर्थ, आपको दुख तो एक के बाद एक आ ही रहे हैं, कभी कभी तो कोई सुख दुख रूप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, समबडी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, मेरी शादी होनी चाहिए, मेरी शादी, आत्मा तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पोपट ला लेना, ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, बट वेन पीपल हु आर मैरिड, वो क्या बोलते हैं, अरे तू पागल है क्या, आराम से रहना अभी। What are they trying to say? They are trying to say that पश्चात दुख ते सुख नहीं। अगर आपको दुख आ रहा है जिसको आप सुख समझ रहे थे, तो वो लोग वो बोलना चाह रहे हैं। सो बस ये था कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसका लक्ष्य आत्म प्राप्ति होनी चाहिए, और जो हमारे कर्म उदय आ रहे हैं, जो हमको फल दे रहे हैं, कर्म के फल के रूप में जो आ रहा है, उसको हमको जाने देना है कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये मैंने ही बांधा था, ये मेरा ही कर्म का फल है, शुभ या अशुभ जो भी है, उसको मुझे समभाव से, एकदम न्यूट्रल भाव से भोगना है। एक्सक्यूज़ मी, कभी कभी अगर आपसे रिएक्शन हो जाता है तो उसके लिए कृपाणुदेव की एक क्षमापना है, उसका लिंक अगर आपको, आप
कमेंट करेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप उसको सुन सकते हैं। तो बस यही था, आत्मा है और ज़रूर है, इसको निश्चय मान के उसकी प्राप्ति के लिए अग्रसर होना ही हमारा धर्म होना चाहिए। तो डिनर हो गया है, तैयारी पूरी हो गई है कल जाने की सुबह में, और थोड़ा बहुत है जो कि लास्ट मिनट वो पैकिंग वो रह जाती है हम लोग के, तो सुबह जल्दी से जल्दी निकलने का प्रोग्राम है। द ओनली चैलेंज इज दैट सुबह में अपने को थोड़ा इंसुलिन लेना रहता है, लेकिन देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने बोला सुनो, हम लोग का पहले प्रोग्राम था कि ब्रेड बटर और चाय ये सब लेकर के चलेंगे, रास्ते में कहीं रुक करके खा लेंगे, लेकिन अभी मुझे लगता है वो सोनू समेट रही है अपने बुक्स वुक्स, सत्संग के बुक्स और मलाला पेंटिंग का, तो अभी हाँ रख दीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं, सफ़र में आपसे मुलाकात होगी, और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कल सुबह मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। ओके बाय बाय, और आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। आपके लाइक करने, सब्सक्राइब और शेयर करने से हम लोग का ब्लॉग काफ़ी अच्छा होगा। चलिए बाय।